हेलो एवरीवन, देखिए बच्चों, आज हम सिंथेसिस के पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा वाक्यों को कैसे जोड़ते हैं, देखिए इसकी थोड़ा डेफिनेशन देखिए। कॉम्बिनेशन में जोड़ना ऑफ टू या टू और मोर सिंपल सेंटेंस, दो और दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़कर नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। इसको हम देखिए थोड़ा डिटेल में समझेंगे। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इसमें वाक्य में दोनों सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। वर्ब टू बी इज आर एम वाज वर्ब को बीइंग में बदलते हैं। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट प्लस बीइंग, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट्स, ये सेम ही रहता है, दूसरे सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए एग्जाम्पल देखिए इसे बच्चे, द गेम वॉज ओवर, द स्पेक्टेटर्स वेंट अवे, तो द गेम बीइंग ओवर, कोमा बीच में कोमा लगाएंगे, द स्पेक्टेटर्स वेंट अवे, द फिल्म वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, फुल स्टॉप, वी इंजॉयड ए लॉट, द फिल्म बीइंग वेरी इंटरेस्टिंग, बीच में कोमा लगाएंगे, वी इंजॉयड ए लॉट। यदि पहले वाक्य में सेकेंड फॉर्म आती है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखिए इसका सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैविंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेकंड वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए कैसे बनाते हैं, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। द पुलिस अराइव्ड, द रोबर्स रैन अवे, द पुलिस हैविंग अराइव्ड, कोमा लगाएंगे, द रोबर्स रैन अवे। सेकंड एग्जांपल देखिए, द सन रोज, द फॉग डिसअपीयर्ड, तो द सन हैविंग राइजन, द फॉग डिस एपियर। आगे देखते हैं और क्लियर हो जाएगा। यदि वाक्य पेसिवाइस है तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। स्ट्रक्चर क्या बनेगा, सब्जेक्ट हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर लगाएंगे कोमा, और सेकंड सेंटेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। द कमांडर वाज किल्ड, द आर्मी फ्लैड अवे, द कमांडर हैविंग बीन, देखिए हैविंग बीन लगा देंगे यदि वाक्य पेश हुआ है तो, किल्ड, फिर फुल स्टॉप के स्थान में कोमा लगाएंगे, द आर्मी फ्लैड अवे, ये फ्लैड FLED फ्लैड अवे। सो ये बच्चे इसका बार बार अध्ययन करेंगे, इससे आपके अच्छी तरह तैयार हो जाए, तथा इससे संबंधित एक्सरसाइज अपनी कॉपी में या बुक में करेंगे।